हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मुझे कोविड-19 हुआ था 16 अप्रैल 2021 में और 23 या फिर 24 अप्रैल 2021 आते आते मेरी कंडीशन हो गई थी ख़राब। मेरा SpO2 लेवल गिर के 70% पहुंच गया था। आज है 22 जून 2021, मतलब कि 2 महीने हो गए। अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 99% मैं कहूँगा कि मैं रिकवर कर चुका हूँ। अभी भी 1% कुछ दिक्कतें रह गई हैं, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, शरीर में जान आ गई है, ऐसा लग रहा है। डेली मरा का जो काम है वो मैं आसानी से कर लेता हूँ। चलने फिरने में भी अब कोई दिक्कत नहीं है। SpO2 लेवल मेरा 98-99 तक पहुँच गया है नॉर्मली, और सबसे बढ़कर कि स्मेल एंड टेस्ट ये वापस आ गई है। लगभग कहूँगा कि 1.5 महीना तक दोस्तों मुझे कोई स्मेल एंड टेस्ट नहीं आ रही थी। अभी भी कहूँगा कि 100% तो नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है, बट जितना पहले मैं स्मेल कर सकता था उतना नहीं है अभी। बाकी कमजोरी इस समय काफ़ी कम है। ब्लैकआउट बैठ के उठते वक्त अब काफ़ी कम हो गया, कभी कभार ही होता है। और मेमोरी लॉस, जो कि अचानक से लगता था कि अभी सो के उठाऊँ, अचानक से दिमाग कहीं सुन गायब हो जाता था, ये भी अब काफ़ी कम हो गया। शरीर दर्द दोस्तों अब बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत थाइस में दर्द था वो भी अब जा चुका है। अभी मैं थोड़ा बहुत हैवी वर्क भी कर लेता हूँ, चलने फिरने के साथ थोड़ा बहुत दौड़ लेता हूँ। सीढ़ियों को चढ़ने में दोस्तों जो पहले दिक्कत हो रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा बहुत हाँफता हूँ पर दोस्तों अब सांस से उखड़ती नहीं है। SpO2 लेवल अभी भी गिरता है, 94-93% तक चला जाता है, बट दोस्तों अब वो पहले वाली जो दिक्कत थी वो जा चुकी है। एक और चीज़ मुझे याद आ गई है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मुझे कोविड-19 हुआ था, अराउंड 8 किलो मेरा वेट गिरा था, मैंने 8 किलो वेट लूज़ किया था। आज 2 महीने बाद लगभग मैं 5 किलो अब गेन कर चुका हूँ। तो आप भी अपने वेट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी रिकवरी कैसे चल रही है। ये मैं अभी फिज़िकली देख रहा हूँ, इंटरनली क्या रह गया, क्या लंग्स सही हो चुके हैं या फिर इनमें अभी फाइब्रोसिस हो चुकी है, कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया। बाकी कैसे मैंने इस रिकवरी फेस में अपनी रिकवरी को फास्ट किया है, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख रखा है अभी तक तो आप इस लिंक में जाकर उसको देख सकते हो। बाकी जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, आप बढ़िया सा खाइए, डरिए मत। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़, इनसे थोड़ा सा बच के रहें क्योंकि ये बताते कम हैं, जानकारी कम देते हैं बट डराते ज़्यादा हैं। और डर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप डर को हरा देते हो ना तो रिकवरी काफ़ी जल्दी से हो जाती है। मैंने दोस्तों न्यूज़ आई थिंक कि मुझे पता ही नहीं कि इस समय जो डेली बेसिस के केसेस अब कितने आ चुके हैं, बस इतना मालूम है कि जो सेकंड वेव है वो ख़त्म हो चुकी है। और मौतों का आंकड़ा भी दोस्तों, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे अब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि डेली बेसिस पर कितनी मौतें हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितना न्यूज़ को अवॉइड किया, कितना सोशल मीडिया में जो ये जो फेक न्यूज़ या फिर भ्रम या फिर कहेंगे डर फैलाते हैं, इन सब को साइड में रखा है। तो अगर आप इतना कर लोगे दैट इज़ सफिशिएंट। साथ में बढ़िया खाइए, बढ़िया पीजिए और अपने आप को कूल रखिए, और जो डेली मरा की चीज़ें उनमें अपने आप को बिजी रखिए, वो सफिशिएंट है। तो फिलहाल ये है मेरी कंडीशन। आप कैसा महसूस कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोविड-19 की रिकवरी के दौरान कोई दिक्कतें आई हैं या फिर आपने कुछ यहाँ पर नया महसूस किया है वो भी आप नीचे शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जाने होंगे, कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कहीं अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, इस टाइप की कोई वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।